चैंपियंस लीग के बाद सचिन तेंदुलकर टेस्ट में खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब राहुल द्रविड़ क्रिकेट के पिच पर नजर नहीं आएंगे। संन्यास के बाद राहुल द्रविड़ ने News24 के संवाददाता रवि ठाकुर से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल द्रविड़ पूरी तरह से क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, रंगीन वर्दी को उन्होंने अलविदा कह दिया। हमारे साथ मौजूद है राहुल द्रविड़ खुद। राहुल, आपका एक करियर 1996 में आपने क्रिकेट करियर शुरुआत किया था, आज अपने IPL से अलविदा कहा, किस तरह का करियर था? मतलब बहुत बहुत खुशी हुई करियर इस करियर से लेके। एक मैं क्रिकेट एक मेरा एक शौक था, एक प्यार था बचपन से ही, और उसको एक क्रिकेट का करियर बनाने में जब मैं बना सका उसके लिए मतलब बड़ी खुशनसीब हूँ मैं कि मैं ये कर पाया मैं। और ऑलमोस्ट 25 साल अगर आप फर्स्ट क्रिकेट भी देखें तो 25 साल में खेल मैंने क्रिकेट खेली है, तो उससे मतलब मैं और कुछ मांग नहीं सकता। राजस्थान रॉयल्स कल बेशक फाइनल हार गई, लेकिन ये कहा कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने दिल जीता। कल के मैच के बारे में आपका, कि शायद आपको लगता है कि जीतते तो शायद अच्छी विदाई होती, किस तरह का माहौल था? मेरे को तो विदाई अच्छी हुई, जीते या हारे मैं टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है राइट टिल दी एंड। बहुत अच्छा लड़े हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है ऑपोजिशन टीम को, तो मैं और कुछ नहीं मांग सकता मेरे प्लेयरों से। और मैं जरूर कहूंगा कि अगर जीतते तो अच्छा होता, पर हारने में भी इतनी मायूसी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया IPL में भी और इसमें भी। द्रविड़ को दीवार कहा जाता है, द वॉल कहा जाता था, कि ये ऐसी दीवार है जो कभी हिलती नहीं, कोई भी गेंदबाज इसे हिला नहीं सकता। द्रविड़ को नजर आता है कोई टीम ऐसा खिलाड़ी जो उनकी जगह ले सकता है? बहुत सारे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं हमारी टीम में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी टीम में। अगर अभी आप देखिए पुजारा देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, विराट कोहली देखिए हमारी टीम में भी, अजिंक्य रहाणे जो है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, शिखर धवन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो यंग लड़के हैं, मैंने दो तीन नाम भी मैं भूल चुका हूं, पर मतलब बहुत अच्छे जो टैलेंट है, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी टैलेंट है इंडिया में। आज सचिन तेंदुलकर ने भी कल रंगीन जर्सी को अलविदा कहा, आपकी बातचीत हुई उनसे, दोनों खिलाड़ियों का सफर कुछ शेयर कर रहे थे बातें? जरूर, एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उनके साथ जो लास्ट मैच मैं खेल पाया और उनकी जो एक ओकेजन थी वो मैं भी उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। बहुत सारी क्रिकेट उसके उनके साथ खेली है, तो एक अच्छा लगता है कि एक लास्ट ओवर में एक मौका मिला उनके साथ उनके अगेंस्ट खेलने का। राहुल द्रविड़ अब क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, आगे क्या क्रिकेट मेंटोर बनेंगे, कमेंट्री करेंगे, क्या सोचा है राहुल द्रविड़ ने? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बाद में आके जाके देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद News24 से बातचीत करने के लिए। तो ये क्रिकेट का उनका काफी शानदार करियर रहा है और आगे भी वो क्रिकेट में ऐसे योगदान देते रहेंगे। कैमरामैन मस्तान के साथ रवि ठाकुर, दिल्ली News24।